घर को आग लगी घर के चिराग से। गुलबर्ग की रिहायशी हिरा अपने ही दरिंदा सिर्फ बहनोई के हाथों मनोमिट्टी तले चासुर। पुलिस तहकीकात में मुजिम अहसन व्यास के लर्जाखेज इंकशाफात। मकतूला का कातिल बहनोई 2 साल तक साली को ब्लैकमेल करता रहा, ज्यादती की डरा धमका कर पैसे बटोरे, घर से जेवरात चोरी करवाए जबकि नाजायज मुतालबात पूरे करवाने के लिए गैर इखलाकी वीडियो की धमकी दी। मुलजिम मकतूला के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से पकड़ा गया। मुलजिम ने हिरा को शादी से 3 रोज कबल मौत के घाट उतारा। गैर कानूनी पतंगबाजी। वादत कॉलोनी में 7 साला बच्चा गर्दन पर डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर करार। वजीर आला उस्मान बुज़ार ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। चूंग में फेसबुक पर मुखालिफ पोस्ट लगाने पर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम हसन नवाज गुजर की फकीर हुसैन को कत्ल करने के लिए जाने वाली फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद ना हो सका। पुलिस ताहाल मुलजिम हसन नवाज गुजर के साथी को गिरफ्तार ना कर सकी। सानिहा मौला टाउन की नई GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत आज करेगा। 3 रुकनी फुल बेंच ने नई GIT बनाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए होने वाले हाई पावर बोर्ड का मामला, तरक्कियां और पोस्टिंग प्लान बाकायदा मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवा दिया गया। मंजूरी के बाद तरक्कियों के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तरक्कियों के नोटिफिकेशन के साथ ही तबादलों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जाएंगे। अमरीकी सफीर पाउल जॉन्स का अहलिया के हमरा मस्जिद वजीर खान का दौरा। अमरीकी सफीर को मस्जिद की तारीख के हवाले से आगाह किया गया। पाउल जॉन्स कहते हैं लाहौर कमाल का शहर है, मस्जिद वजीर खान की डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। फजाओं के दोष पर भी होशरुबा महंगाई का सफर। PIA ने मुसाफिरों के इजाफी सामान पर नए नर्ख लागू कर दिए। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को 10 किलो इजाफी सामान पर 5,800 रुपये अदा करना होंगे। कराची से दुबई परवास पर 2,500, जद्दा के लिए 800 रुपये फी किलो इजाफी सामान के अदा करने होंगे। ईरानी टमाटरों की बरामद के बावजूद टमाटर बहरान बदस्तूर, मार्केटिंग गिरा, फरोशों के हवाले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम। टाउनशिप बाजार में टमाटर 400 रुपए किलो तक फरोख। सरकारी नर्खनामे में 20 रुपए इजाफा, रेट 210 रुपए किलो हो गया। सस्ते मॉडल बाजारों में भी महंगाई का राज, फलों के नर्ख आम मार्केट से ज्यादा। आटा सस्ता है ना चीनी, दालों के बाद सब्जियां भी महंगी। ओशुबा महंगाई ने जीना दोबर कर दिया। बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का शाखा माल में मुजाहरा। शुरका के महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर हुकूमत के खिलाफ नारे। 2 रोज बाद सर्द हवाओं और बारिशों की नवीन। स्मॉग के खतरात में वाज़ेह कमी के इम्कान। शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स में नॉर्मल। कमिश्नर की जरीले धुएं की जिम्मेदार सनतों, गाड़ियों और पाबंदी के दौरान चलने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। गवर्नर हाउस की मुफ्त सैर के लिए दस्तयाब सहूलत वापस लेने पर गौर। बच्चों और बड़ों के लिए दाखिला टिकट रखने की तजवीज। अंदरूनी इमारत को ना खोलने का फैसला। साफ पानी, बेंच, वॉशरूम्स और कैंटीन ना होने पर शहरियों की अदम दिलचस्पी। बड़ी तादाद ने गवर्नर हाउस बागीचा आना ही छोड़ दिया। बल्दियाती इंतखाबात का महाज गर्म करने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत इलेक्शन इंतजामात में मसरूफ। वज़ीरे कानून ने रिपोर्ट वज़ीरे आला को पेश कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार की पंजाब में ग्रास रूट लेवल पर कामयाबी के लिए तहादियों से मशावरत की हिदायत। लाहौरियों को मुजरे सेहत खुराक से बचाने के लिए फूड अथॉरिटी सरगर्म। देसी की और खोया यूनिट सैंपलिंग मुहिम में 428 यूनिट की चैकिंग। नाकिस इंतजाम पर 20 यूनिट सील कर दिया। 8 की प्रोडक्शन इसलाह तक बंद। 64 को जुर्माने और 324 कारखानों को इसलाही नोटिस। ANF एहलकारों की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क मनशिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए मालियत के आइस बरामद। कस्टम हुकाम की भी अलामा इकबाल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई।
चाइना जाने वाले मुसाफिर के सामान से 470 मोबाइल LCD बरामद। रायवन के इलाके में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जा बहक, चार अफराद जख्मी। जख्मियों को तश्वीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फर्नीचर काउंसिल के जरिए तमाम 3 रोजा 11वां इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो खत्म। एक्सपो में 50 से ज्यादा फर्नीचर बनाने वाली कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। एक्सपो के आखिरी रोज मशीर वजीर आजम अब्दुल रजाक दाऊद का दौरा। कहते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासा बेहतर काम कर रही है। बोले पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए CPAC बहुत जरूरी है। और अभी आपको बताएं कि अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का अहलिया के हमरा मस्जिद वजीर खान का दौरा किया गया है। अमरीकी सफीर को मस्जिद वजीर खान की तारीख के हवाले से आगाह किया गया। इस हवाले से अमरीकी सफीर का कहना है कि लाहौर कमाल का शहर है, मुझे बेहद पसंद है। मस्जिद वजीर खान के डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। पॉल जॉन्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि एस विल्स के बयान को पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। तो आपको बताते चले कि अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का अहलिया के हमरा मस्जिद वजीर खान का दौरा। अमरीकी सफीर को मस्जिद वजीर खान की तारीख के हवाले से इस मौका पर आगाह भी किया गया, जबकि इस मौका पर उनका कहना है कि लाहौर कमाल का शहर है और मुझे बेहद पसंद है। मजीद ये भी कहा कि मस्जिद वजीर खान की डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। एस विल्स के बयान को आपको ये बताएं कि ये भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। एस विल्स के बयान को पाकिस्तानी को समझना चाहिए। अमरीकी सफीर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। अमरीकी सफीर का अहलिया के हमरा मस्जिद वजीर खान का दौरा किया गया है। दौरे के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि अमरीकी सफीर को मस्जिद वजीर खान की तारीख के हवाले से आगाह भी किया गया है। इस मौके पर अमरीकी सफीर ने इन ख्यालात का इजहार किया कि लाहौर कमाल का शहर है और मुझे बेहद पसंद है। मस्जिद वजीर खान की डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। एरिस वेल्स के बयान को पाकिस्तानियों को समझना चाहिए। अमरीकी सफीर की जानिब से इस मौके पर दौरे के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया गया। अमरीकी सफीर कहते हैं कि अमरीकी लाहौर कमाल का शहर है और बेहद पसंद आया है। अमरीकी सफीर का अहलिया के हमरे मस्जिद वजीर खान का दौरा किया गया है। अमरीकी सफीर को मस्जिद वजीर खान की तारीख के हवाले से इस मौके पर आगाह भी किया गया है। अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का इस मौका पर कहना है कि लाहौर कमाल का शहर है, मुझे बेहद पसंद है। मस्जिद वजीर खान के डेवलपमेंट में किरदार अदा करने पर खुशी है। इस मौका पर उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। We've been here before. It's such a gorgeous city of such culture, of such commerce and business and capital of a province of great agriculture. I'm delighted also that we have such a dynamic and experienced consul general leading our consulate here. We've been here for a long, long time. We so much value our relationships here. Catherine Rodriguez, our consul general, has served before in Pakistan, in Karachi and Peshawar, and now in this beautiful city of Lahore. We just came from this gorgeous Wazir Khan Mosque, and I think it's a sign of the respect of the American people that we contribute to the wonderful work of our partners, the Aga Khan Cultural Services, to the restoration of this chowk and these homes from the 19th century, the gorgeous Dinanath Well, and this beautiful plaza that is now here. We've been contributing since 2015. It's about $1.3 million worth of support, and it's just part of about 18 projects we do around Pakistan. So later in the day, we're looking forward to visiting with the Chief Minister, with the Governor, and business leaders, lots of different business leaders here in Lahore, because we want to fulfill the vision of our leaders that was articulated when Prime Minister Khan visited Washington, visited President Trump at the White House, and they said we should expand further our trade and investment relationship. We're on track to have another record year in our trade relations, and the United States is by far Pakistan's largest export market, but we think we can grow that even further. So very happy to be here and very happy to experience the culture of Lahore. Sir, I need your comments on the statement of Alice Wells on CPAC, that CPAC will bring more burden on Pakistan. So to kindly respond to this. So, like many, sort of, it was a very thoughtful speech, and I would suggest people actually read the text, because sometimes when a thoughtful and detailed speech is made, it gets reduced into one or two lines.
And the idea of that speech that she gave in Washington, D.C. was to generate debate. We don't expect everyone to agree with us or to agree with every aspect of it, but we think, you know, not only in Pakistan but in other countries, the path of development forward is critical to the prosperity of the people and should be transparent, discussed openly. And I think you'll see in that speech some very thoughtful and very clear data, to the extent we know them, of the CPEC projects, as well as of American business investment here. I understand Pakistan welcomes both. It's Pakistan's sovereign right to decide its future. But we think there should be plenty of debate, plenty of discussion, and I think that's what the speech was meant to contribute to. So that speech could not be considered as the policy statement? Well, it certainly is a policy statement. It's made from the Assistant Secretary of the United States Department of State. But if you read it, it is a sort of a delving into the issues that are raised by various types of investment and approaches to development. So I think I just advise everyone, take a look at it. And it's designed to, yes, to get reactions, to have people discuss openly and transparently about how different developments serve Pakistan's future. بالکل امریکی سفیر کا اہلیہ کے ہمراہ مسجد وزیر خان کا دورہ کیا گیا ہے. اس موقع پر گفتگو بھی کی جو کہ آپ کو ہم نے دکھائی ہے. دورے کے مناظر بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. امریکی سفیر کو مسجد وزیر خان کی تاریخ کے حوالے سے اس موقع پر مکمل آگاہ کیا گیا ہے.